कैसा है, पास हो गया या फेल हो गया? वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडली विद ग्रेस। आई होप यू आर डूइंग वेल और हम भी ठीक है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी फॉर द फर्स्ट टाइम, और मुझे बिरयानी बनाना बहुत ही टफ एंड रिस्की काम लगता है, लेकिन फिर भी मैं आज कोशिश कर रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग देख लेना मेरा बिरयानी कैसे बनेगा। तो चलते हैं, हम बनाते हैं बिरयानी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ये तो सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो ये रहा सामान, ये है चिकन और ये जितने भी मैंने मसाले और जितने भी मैरिनेट करने के लिए डालना है वो सारे यहाँ पर मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया है। सो ये है जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये है बिरयानी का मसाला और ये तेज़पत्ता, ये है हल्दी, दालचीनी, इलायची, स्टार एनिस, लौंग, लाल मिर्च और ये है काली मिर्च, नींबू, पुदीना और धनिया कटा हुआ, ये है दही, हरा मिर्ची कटा हुआ, लहसुन और अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पेपर भी डाल दिया मैंने, तेजपत्ता और ये जितना भी था मैंने सारा डाल दिया है। एंड दिस इज अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है मिर्ची, दही। ये रहा नींबू और ये थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा ऑयल भी डाल देती हूँ। एंड देन आई एम गोइंग टू मिक्स इट। धनिया एंड पुदीना भी मैंने डाल दिया। सो नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स, सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरा हो गया है मैरिनेट चिकन। सो देखिए ऐसा हो गया है, तो अब हम इसको हम डालेंगे दूसरे बर्तन में। और मैंने केवड़ा जल डालना भूल गया था, लेकिन ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है ये केवड़ा जल, मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ ऊपर से। और अब हम इस चिकन को छोड़ देंगे, एक घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं और दो घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आप अगर आप लोग जल्दी में हो तो आप लोग एक घंटे के लिए भी रख सकते हो मैरिनेट करने के लिए। जितना अच्छे से मैरिनेट होगा चिकन उतना ही टेस्टी स्वाद आएगा। और हमको कॉफ़ी खाने का मन हुआ, तो अभी हम कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं जब तक चिकन मैरिनेट होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम, आप लोग भी हमारे साथ। वेयर इज एलिश्का? एलिश्का से हाय। तो जब तक चिकन मैरिनेट होगा तब तक हम घूम के भी आएंगे और फिर हम बनाएंगे बिरयानी। आज से मैं भी प्रधान के साथ एडिटिंग सीखने वाली हूँ। रेस्ट करने का भी उतना मौका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मुझे एडिटिंग सीखना है। सो एलिश्का वांटेड टू हैव डोनट, तो अभी हम खाने के लिए जा रही है। बाइट गर्दै न एलिश्का, सी हियर एन्ड बाइट इन द क्यामेरा, स्माइल, टेस्टी, डिलिशियस। आ रहा है कॉफी ले, लाटी ला लाटी। थैंक यू। कभी कभार ऐसे पति के हाथ का बनाया हुआ, वैसे उसका हाथ का बनाया हुआ तो नहीं है, लेकिन सर्व कर रहा है मेरे को अच्छे से। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माई कॉफी एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर सम टाइम। हम पहुंच गए घर, तो अभी हम जा रहे हैं फिर किचन। ये प्याज को हम फ्राई करेंगे और चावल को यहाँ पर भिगो के रख दिया है मैंने, तो मैं इस चावल को हाफ एन आवर तक मैं भिगो के रखूँगी। तो मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म होने देते हैं एंड उसके बाद हम तेल को डालेंगे। हम तेल को डाल रहे हैं, तो तेल गर्म हो चुका है तो मैं प्याज डाल रही हूँ। इसको हम ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। मेरा प्याज हो गया है, देखिए ब्राउन होना था लेकिन काला काला जैसा हो रहा है मेरा, फिर भी इट्स ओके।
और अब मैं फिर प्याज डालने वाली हूँ, ये वाला, ये छोटा छोटा सा काट लिया है मैंने, बारीकी से काटा है मैंने, तो मैं ये प्याज डालूँगी पहले। और मैं दो टमाटर को बारीकी से काटूंगी, छोटा छोटा, ज़्यादा ग्रेवी हो बिरयानी में ऐसा अच्छा लगता है मुझे, सूखा सूखा वाला उतना वो नहीं लगता, तब ग्रेवी बनाने की कोशिश में हूँ। तो मैंने टमाटर भी काट दिया है देखिए, और प्याज भी ब्राउन हो गया है, चिकन को डालूंगी। तो अब इस चिकन को ढकेंगे और छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो जब तक चिकन रेडी होगा मैं पानी को बॉयल करूंगी चावल के लिए। तो मैंने पानी चढ़ा दिया है, तो यहाँ पर पानी में मैं ये तेज पत्ता डाल रही हूँ, कटा हुआ ये मिर्ची डाल दिया, लौंग डाल दिया, इलायची डाल दिया, तो मैंने नींबू निचोड़ के रखा था वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें। सो अब मैं इसको बॉयल होने में छोड़ देती हूँ, मुझे उतना पता तो नहीं है क्या क्या डालेंगे पानी में, जो मुझे आइडिया था उतना ही मैंने डाल दिया है। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना कि मतलब मैं जो बना रही हूँ बिरयानी सही तरह से बनाया या नहीं बनाया, आप लोग कमेंट करके बताना। और आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है वो भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि हमारे घर में सबका फेवरेट बिरयानी है। मुझे तो पहले पसंद नहीं था बिरयानी, लेकिन अभी खाते 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 ना मुझे भी पसंद होने लगा है थोड़ी बहुत बिरयानी। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो मैं जब भी बिरयानी खाती हूँ या तो बनाती हूँ या तो ख़रीदती हूँ, तो जब भी उस वक्त में जिगर करती हूँ मेरे हस्बैंड का, क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है। मैंने पहले बोला था कि वो कढ़ाई छोटा पड़ जाएगा करके, तो मैंने चेंज कर दिया है बर्तन, और अब मैं डालने जा रही हूँ टमाटर जो मैंने कट के रख दिया था। सो मैंने टमाटर डाल दिया है, मैं नमक भी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि जब मैंने मैरिनेट किया था तब भी मैंने नमक डाल दिया था। तो पानी बॉईल हो चुका है हमारा, सो अब हम इसमें चावल को डालेंगे। जब भी आप लोग अगर पहली बार बिरयानी बना रहे हो तो डोंट फॉरगेट, आप लोग को बासमती राइस में बनाना होगा बिरयानी। सो मैंने ये आधा घंटा तक मैंने भिगो के रख दिया था, मैं गैस को थोड़ा फ्लेम कम करूँगी। तो मैं डाल रही हूँ चावल को, तो ये चावल मैंने चढ़ा दिया है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मैं निकालूंगी। तो ये चिकन भी ऑलमोस्ट हो चुका है देखिए, चावल रेडी हो चुका है देखिए, तो अब इसको मैं ड्रेन करके निकालूंगी, निकालेंगे, फेंक दे उतर के पानी, इट्स वेरी हॉट एलिश्का। ग्रेवी कितना अच्छा हो रखा है, कलर भी अच्छे से आ रहा है, और यहाँ पर फ्रेगनेंस एकदम अच्छे से आ रहा है, फ्रेगनेंस भी। सो नाउ चावल को हम डालेंगे। ये पुदीना और जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो भी डाल दूंगी सारा। तो ये चावल मैंने डाल दिया है, और ये पुदीना और धनिया भी मैं काट के डाल रही हूँ, और ये धनिया भी मैंने डाल दिया, खेवड़ा जल डाल रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ। ओके, तो जब तक मेरा बिरयानी बनेगा तब तक मैं वो करूँगी, रायता बनाऊँगी, ठीक है। तो मुझे रायता, प्लेन रायता मुझे पसंद है, सिर्फ दही के साथ जीरा कूट के ना डाला हुआ और थोड़ा सा काला नमक डाला हुआ, ऐसा वाला रायता मुझे पसंद है। सो मैं वही सिंपल सा बनाने के लिए जा रही हूँ। सो ये रहा जीरा, तवे पे मैंने चढ़ा दिया है, उसको थोड़ा सा हमें वो करना है, फ्राई करना है ऐसे सूखे में विदाउट ऑयल। तो ये रेडी हो गया है, ज़्यादा वो नहीं करना है हमें, और इस जीरा को हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने जीरा कूट दिया है, ऐसा हो गया है जीरा, तो मैं अब जीरा पाउडर को यहाँ पर डाल दूँगी। ये दही रहा, दही डालूँगी,
थोड़ा सा ही डालूंगी, ठीक है। और ये जो काला नमक है ये भी मैं डाल रही हूँ, और अब इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आप लोग को भी सिंपल सा पसंद हो तो ये वाला ट्राई कर सकते हो, घर में बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये रायता हो गया है तैयार, और मैंने यहाँ पर प्याज भी काट कर डाल दिया है, और इसमें मैंने नमक और नींबू डाला हुआ है इस प्याज में, और अच्छे से डाइजेस्ट करने में ये मदद करेगा। ओके, नाउ बिरयानी चेक करने के लिए जा रही हूँ मैं। 30 मिनट्स हो चुका है, सो लेट्स सी बिरयानी बनना है अच्छे से या नहीं बना है अच्छे से, सो लेट्स सी। तो अब चेक करेंगे बिरयानी। सो देखने में तो सही आ रहा है। ये है देसी घी, एक चम्मच, दो चम्मच। ओके, तो मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। लेट्स सी। डन 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 हुन्छ। सो ये रहा चिकन बिरयानी जो मैंने बनाया है। अब खाकर प्रधान बताएगा कैसा है। एक्सपर्ट है बिरयानी का प्रधान बाबू। कैसा है, पास हो गया या फेल हो गया? वाह, पास या फेल? पास, डिस्टिंक्शन पास। लाओ 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 खाना खाना। ओके एवरीवन, तो आज का वीडियो मैं इतने में ही रखती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरा बिरयानी अच्छे से बन गया, और प्रधान को भी अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा, और मुझे भी अच्छा लगा, टेस्टी हो गया था। तो आप लोग भी इसी तरह से घर में ट्राई कर सकती हो मेरी तरह बिरयानी बनाने के लिए। सो मिलते हैं आप लोग को दूसरा वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। बाय बाय।